हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका जैसलमेर राजस्थान में। इस वक्त मैं हूँ जैसलमेर में और ये पीछे आपको जैसलमेर फोर्ट दिख रहा होगा। तो ये जैसलमेर सेंटर में फोर्ट है, तो वीडियो की शुरुआत करेंगे जैसलमेर फोर्ट से और उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे जैसलमेर के आसपास की जगह को। उस जगह से आया हूँ मैं घूमते हुए और ये जैसलमेर फोर्ट है पूरा, और इस तरफ से आगे जाना है, यहाँ पर गेट है फोर्ट का उस तरफ, तो आगे की तरफ चलते हैं। तो ये मेन गेट है फोर्ट की एंट्री का। तो इस गेट से अंदर आया हूँ मैं और इसे बोलते हैं अक्खी पोल। और इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो आगे और इस तरह के तीन गेट आते हैं, तो इसके बाद में आएगा सूरज पोल, फिर आएगा गणेश पोल और उसके बाद में अंत में आएगा हवा पोल। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है यहाँ पर किले के अंदर एंट्री करते ही। ये है सूरज पोल दूसरा दरवाजा। हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें मिल जाती है किले में, आते ही देखो आप इस तरह की सारी चदरें वगैरह दिखेगी आपको। ये चौथा और आखिरी दरवाजा हवा पोल है। ये जो मंदिर है वो चामुंडा माता का मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। जब पहले पशुओं की बलि दी जाती थी माता को तो यहाँ पर दी जाती थी वो, तो ये चामुंडा माता मंदिर है। और यहाँ से आगे जैन टेम्पल है, देखो आप लिखा हुआ है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है जैन टेम्पल। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये जो किला है चलता फिरता शहर है, आप समझ लो ये पूरा एक शहर बसा हुआ है। जिस तरह के टिपिकल किले होते हैं फोर्ट होते हैं वैसा नहीं है, इसमें काफ़ी लोग बसे हुए, लगभग 4000 के आसपास लोग बसे हुए इसके अंदर, 400 परिवार रहते हैं और 50 से 60 होटल्स हैं इसके अंदर। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट अगर कहीं आते हैं तो जैसलमेर में आते हैं, इसीलिए यहाँ पर दो ही बिजनेस चलते हैं, एक तो स्टोन का और एक टूरिस्ट के ऊपर पूरा चलता है ये टूरिज़्म पर। ये जैन मंदिर है श्री चंद्र प्रभु जैन मंदिर, देखो आप। वैसे तो एंट्री फ्री है लेकिन कैमरे का चार्ज है 50 रुपये, तो यहाँ से टिकट लेते हैं और चलते हैं जैन मंदिर के लिए यहाँ पर अंदर। तो मंदिर के अंदर चलते हैं, ये मुख्य मंदिर है, सामने चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति है, ये देखो आप। तो ये श्वेतांबर जैन मंदिर है और लगभग 15वीं शताब्दी का है। इस मंदिर की कहानी ऐसी है कि यहाँ पर पहले किसान रहते थे और जो खेती करते थे और इसके अलावा जो व्यापार करते थे वो सारे जैन लोग थे। तो वो लोग राजा को टैक्स देते थे क्योंकि बिजनेस वही करते थे, तो राजा को उन्होंने बताया कि हमको भी यहाँ पर कुछ जगह दीजिए आपके किले में। तो राजा ने बोला कि ठीक है मैं आपके भगवान का मंदिर बनाता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त ये थी कि इस मंदिर में आपके भगवान के अलावा हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ रहेगी। और इस किले में आज भी जैन लोग नहीं रहते, सारे जो है वो ब्राह्मण राजपूत लोग रहते हैं इस किले में। ये सारी मूर्ति आपको दिखेगी, गणेश पार्वती और सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। टोटल 7 मंदिर है, उसमें से एक मंदिर ये था और बाकी के 5 मंदिर बंद हो गए, एक मंदिर ये खुला है, तो इसमें चलते हैं फटाफट, ये भी बंद होने वाला है। ये ऋषभदेव जी भगवान का मंदिर है, सामने ऋषभदेव भगवान की मूर्ति है। ये देखो आप इतनी सारी मूर्तियां हैं, पत्थर से बना हुआ पूरा ये। यहाँ 7 मंदिर में 6666 मूर्तियाँ ऐसी 6666 मूर्तियाँ 66 मूर्ति 7 मंदिर में। अच्छा, मैंने आपको बताया था इस मंदिर में हिंदू भगवान की भी मूर्तियाँ मिलेगी। हाँ, ये देवी देवताओं की। और इधर ये गणेश, ये सारी है देखो मूर्तियाँ आप, ये गणेश जी की। ये देखो ये सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ है, ये गणपति जी है, गणेश जी की मूर्ति है। राजा ने मंदिर बनाया था तो एक शर्त रखी थी, वही कहानी है। ये भी सारी मूर्तियाँ देखो, कृष्ण भगवान की और सब मूर्तियाँ पिल्लर के ऊपर में, चावल के दाने जैसी एक मूर्ति बनी हुई है। अच्छा, छोटा घुमट के अंदर घुमट है ना, एक छोटा सा दिख रहा है उसमें मूर्ति है। ये देखो ये जो जगह दिख रही है ये पूरी ये प्लेन है, और इस तरफ में देखो आप छोटी सी मूर्ति बनी हुई है इसके अंदर, कैमरे में शायद दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ पर छोटी सी मूर्ति है। तो ये चावल के दाने जितनी मूर्ति है, एक चावल का दाना होता उतनी। तो ये सारी पत्थर से बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, पत्थर को तराश के बनाया हुआ है, और जो कारीगरी है वो बेमिसाल है यहाँ की इस मंदिर की। और ये ऋषभदेव भगवान के गुरु जी थे, दादा गुरुदेव बोलते हैं, उनकी मूर्ति है ये। बिल्कुल एंड समय पे पहुंचा मैं यहाँ पर, मंदिर बंद हो रहा है ये। तो ये मुख्य मंदिर था, उसमें हमने दर्शन किए। कुल मिला के 7 मंदिर है यहाँ जैनों के, उसमें से हमने 2 देखे, तो अभी आगे बढ़ते हैं।
अभी यहाँ पर आपको सारे होटल कैफ़े के बोर्ड दिखेंगे, तो यहाँ से सारी होटल्स और कैफ़े स्टार्ट हो जाते हैं इस किले में। तो कुछ अलग महसूस होता है यहाँ पर, ऐसा लगता है जैसे 100 साल पुराना कोई गांव शहर घूम रहे हो। तो जैसलमेर फोर्ट काफ़ी शानदार है, अंदर घूमने में मज़ा आता है, एकदम पुराना फील आता है एकदम। तो अभी यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आपको वहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिखेगा। भैया यहाँ पर तोप की नली रखी हुई है और इस तरफ पूरा ये सिटी व्यू आएगा आपको, देखो पूरा सिटी का व्यू दिखता है यहाँ से। ये सिटी व्यू पॉइंट था और अभी यहाँ से चलते हैं आगे राजा रानी महल की तरफ। तो बाहर की तरफ आ गया हूँ मैं, यहाँ से शुरुआत की थी हमने। ये राजा का महल है और ये रानी का महल है और ये दशहरा चौक है और वहाँ पर राजा बैठते थे सिंहासन पर, वहाँ से सारे फंक्शन देखते थे वो। और ये चामुंडा माता का मंदिर था और यहाँ से मंदिर गए थे जैन मंदिर के लिए। राजा का महल से एंट्री है और घूम के फिर उस तरफ रानी का जो महल है वहाँ पर एग्जिट होगा। तो यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है टिकट का, देखो आप, और यहाँ से टिकट लेते हैं। मोबाइल का चार्ज 150 रुपये है, मोबाइल हो या कैमरा कोई भी हो 150 रुपये चार्ज लगता है। तो नीचे वहाँ पर टिकट विंडो है, वहाँ से टिकट लिया और घूमते हुए ऊपर की तरफ आया हूँ मैं। और सामने यहाँ पर ये देखो कारीगरी, कितनी बढ़िया कारीगरी है, देखने में ऐसा लगता है जैसे लकड़ी पे कारीगरी की हुई है लेकिन पूरा पत्थर है वो। तो अंदर की तरफ चलते हैं यहाँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शस्त्रालय, यहाँ पर अभी ये बल्ब लग रहा है लेकिन पहले यहाँ पर दीपक लगते थे, उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी इस वजह से यहाँ पर ये जो छत है वो पूरी लकड़ी की बनी हुई है ताकि ठंडक रहे गर्मी में। ये गन रखी हुई है बड़ी सी एकदम, ये सारे पाले लगे हुए देखो आप, खुकरी रखी हुई है जो नेपाली लोग यूज करते हैं खुकरी। राजा जी के जो ससुराल वाले थे ससुर जी, उन्होंने यहाँ के राजा को एक खुकरी गिफ्ट की थी क्योंकि उनकी जो पत्नी थी वो नेपाल की थी। तो ये देखो आप बंदूक कितनी बड़ी बड़ी है। तो कैमल के ऊपर बैठकर फाइट की जाती थी, तो दो बंदे कैमल पर होते थे, एक बंदा कैमल चलाता था और बंदूक चलाता था और दूसरे बंदे के कंधे पर ये बंदूक रहती थी और इसमें जो है वो बारूद भरा जाता था इस तरह से। तो ये पुरानी गन थी जो कि वो कहावत है कि दूसरे के कंधे पे रखकर बंदूक फोड़ना वो वाली बात है। तो अभी इस तरफ जाएंगे दीवान खाना की तरफ। ये आप देखोगे राजा की चेयर है और इसके ऊपर तलवार पड़ी है। अभी तलवार रखने का मतलब है कि राजा अभी भी जिंदा है, तलवार नहीं हो मतलब राजा नहीं है। तो ये राजा का सिंहासन था। जहाँ से एंट्री की थी वहीं से बाहर की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो ये 6 नंबर का गेट है, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिपोलिया, ये त्रिपोलिया गेट है, यहाँ पर 3 गेट है आप देखो, इसलिए ऐसे बोलते हैं त्रिपोलिया गेट। राजा महाराजाओं की देखो आप तस्वीरें लगी हुई है पुरानी और नीचे नाम भी लिखा हुआ है। ये यहाँ के मेन राजा थे महारावल जैसल देव जी। जैसलमेर का नामकरण इस तरह से हुआ कि ये जो किला है ये मेरू पर्वत पर है, इस पहाड़ का नाम है मेरू और ये जो राजा थे इनका नाम था जैसल, जैसल और मेरू को मिला के बना जैसलमेर। तो ये जैसल देव पहले राजा थे और उनके बाद ये पूरी आगे उनकी पीढ़ी बताई हुई है आगे से आगे आप देखो। और ये सारी काल्पनिक है, किसी को पता नहीं था कि राजा कैसे दिखते थे तो उन्होंने अपने अंदाज से इस तरह की पेंटिंग्स बनाई है अलग अलग। और ये जो तस्वीरें ये सारी रियल है क्योंकि अभी की है। तो वो सारी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, उसमें से लास्ट ये जो तस्वीर है इनका नाम है महारावल बेरीसाल सिंह जी। तो ये यहाँ पर इस राजा महल में रहे थे लास्ट इस महल में और उनके बाद इनके पुत्र थे ये जिनका नाम है महारावल सालीवान सिंह जी। इन्होंने ये महल चेंज कर दिया क्योंकि इनकी जो हाइट थी बताते हैं कि लगभग 7.5 फीट की हाइट थी और 250 किलो का वजन था। तो यहाँ पर नीचे मंदिर पहले से जिसे ताजिया हाउस भी बोलते हैं, वहाँ पर ये अपना मकान शिफ्ट कर दिया और उनके बाद से सारे राजा वहीं पर रहते हैं। तो ये सारे राजा मैंने आपको दिखाए और अभी यहाँ से बाहर की तरफ जाने का रास्ता है, 8 नंबर का लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं अंदर आया हूँ और इस जगह को बोलते हैं होली चौक। यहाँ पर ऊपर से कलर फेंका जाता था और यहाँ पर होली खेली जाती थी पहले ज़माने में। और अंदर की तरफ यहाँ पर ये एक घोड़ा रखा हुआ है जो कि लकड़ी का है, राजा जी ने अपने पुत्र के लिए बनाया था ये। और ये देखो आप छत्रियाँ लगी हुई है, छत्र बोलते हैं इन्हें, ये राजा के छत्र हैं।
राजा चलते थे तो सबसे आगे ये मछली वाला चिन्ह लेके एक सैनिक चलता था, तो उससे लोगों को पता चलता था कि राजा यहाँ से गुजर रहे हैं। इस तरफ में यहाँ पर मूर्ति कक्ष है, 15वीं शताब्दी की जो भी मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर रखी हुई है। वनवास के समय राम जी की दाढ़ी मूछ आ गई थी, तो दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति है, ये इकलौती मूर्ति है ऐसी राम जी की। और बाकी ये पुरानी सब अप्सराएं वगैरह थी उनकी मूर्तियाँ हैं, ऊपर भी वही छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। तो ये मूर्ति हाउस था, यहाँ पर सारी मूर्तियाँ रखी हुई थी। तो ये जगह मैंने आपको दिखाई होली चौक, और अभी यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो बाहर से काफ़ी छोटा लगता है लेकिन अंदर अंदर बहुत घूमने का है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ है दीवाने आम, यहाँ पर सभा करते थे राजा जी अपने मंत्रियों के साथ, राय मशवरा करते थे। देखो आप वहाँ पर उनकी गद्दी पड़ी हुई है, और ये आप देखोगे कितनी बढ़िया है, यहाँ पर देखो डिजाइन है, ये लकड़ी का है और सामने जो है वो पत्थर का है ये वाला, लेकिन लगता है ऐसा जैसे लकड़ी का है, ये पूरा पत्थर है। और इस तरफ में ये जो है सामने की तरफ आपको दिखेगा, यहाँ पर वो प्रजा बैठती थी, आगे बाहर की तरफ प्रजा यहाँ बैठती थी, मंत्री लोग यहाँ बैठते थे आसपास में, और राजा जी यहाँ पर बैठते थे। तो वो जो मंदिर दिख रहे हैं आपको, दो बड़े बड़े शिखर दिख रहे हैं, वो जैन मंदिर था जो मैंने आपको दिखाया। वहाँ पर पूरा घूमते घूमते हम यहाँ पर आए राजा के महल पर, और अभी इस वक्त मैं राजा के महल की छत पर खड़ा हूँ, और यहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है आप देखो। तो चलते हैं अभी नीचे की तरफ। तो ये नीचे मैंने आपको दिखाया था सालीबान सिंह जी, जिन्होंने ये महल छोड़ दिया था, नई जगह बसाई थी। तो ये पूरी आपको जो दिख रही है उनकी पासा के, मैंने बताया था वो 250 किलो के थे, तो उनके कपड़े देख के तो लग रहा है कि सच में 250 किलो के थे, और 7.5 फीट के थे ये जगह, ये उनकी पोशाक है। तो पहले अगर कोई विष वाला खाना देता था तो इस चांदी के बर्तन के अंदर डालते उसका रंग बदल जाता था, इसलिए ये चांदी के बर्तन यूज़ करते थे। तो ये उनका कक्ष था सालीबान सिंह जी का। तो राजा का महल से बाहर आ गया हूँ मैं, और यहाँ पर यहाँ से रानी का महल शुरू होता है, देखो लिखा हुआ है रानी का महल। तो चलते हैं रानी के महल में। तो ये यहाँ पर गणगौर माता की मूर्ति है, राजस्थान में गणगौर मनाते हैं। तो ये जैसलमेर किले का देखो आप पत्थर के ऊपर प्रतिकृति बनाई हुई है, ये मेरू पर्वत पर बना हुआ है, तो ये मेरू पर्वत है और जैसलमेर का फोर्ट है। और ये है महारानी का कक्ष, रानी खाना खाने के बाद बैठती थी और अपनी दासियों के साथ गेम खेलती थी, ये गेम है पुराना कुछ। और ये झरोका आप देखोगे बहुत शानदार झरोका है, एकदम ठंडा है। ये वो मेन गेट है, वहाँ से हम अंदर आए थे, और ये पूरा जैसलमेर का नज़ारा है। तो ये जगह थी और काफ़ी ठंडक है यहाँ पर, पहले लाइट वगैरह थी नहीं, लेकिन उनका आर्किटेक्ट और उनका इंजीनियरिंग इतना बढ़िया था कि लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रूप महल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारा बंद है, और अभी इस तरफ आगे जाना है, यहाँ पर सब कुछ बंद है। तो ये पूरी प्रदर्शनी है आगे तक। तो वहाँ से नीचे आए हैं, यहाँ पर टूर ख़त्म होता है। और ये एक शॉप दिखेगी आपको, 30 नंबर लिखा हुआ है, 30 नंबर। और ये शॉप के ओनर है सोनी जी, नमस्कार जी। इनको काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड। हमारे पिताजी ये दाढ़ी वाले, ये राष्ट्रपति आर वेंकट रामन, इनको एक सिर के एक बाल के ऊपर इंग्रेविंग करके अपने ब्लड से पेंट करके इनका नाम लिखा था, सर के एक बाल पर पेंट करके। अच्छा, इन्होंने एक राइस के ऊपर रामायण की चौपाइयां लिखी थी, 827 लेटर। हाल ही में भारत सरकार द्वारा हमारे को भी नेशनल अवार्ड दिया गया। ये आपकी फोटो दिख रही है, प्रणब मुखर्जी। तो ये नेशनल अवार्ड आपको किस बारे में दिया गया? इस वर्क के ऊपर, ये सिल्वर में सबसे माइन्यूट वर्क है, इस रिंग में सारे गॉड एंड गॉडेस बनाए हुए हैं। अच्छा, ये आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको दूरबीन से दिख सकता है। ये ओम से आप स्टार्ट कीजिए, ओम गणपति जी, शिव जी, विष्णु भगवान शेष नाग के ऊपर लेटे हुए, ब्रह्मा जी लोटस फ्लोर में बैठे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं, दुर्गा माता, शेरों वाली माता, हनुमान जी, मावी स्वामी जी, कृष्ण जी, राधा जी, और फिर ओम। तो इनकी दुकान का नाम है हरिओम ज्वेलर्स, और इनका नाम है रूप किशोर जी। तो काफ़ी बढ़िया लगा इनसे मिलके, थैंक यू सर, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, जो कारीगरी आपने की है काबिले तारीफ है। तो चलते हैं, आप जब जैसलमेर आओ तो इनकी दुकान की विजिट करना, काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेगी आपको यहाँ पर। चलिए धन्यवाद। तो अभी ये रानी का महल पूरा हो गया और बाहर की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर आगे कैनल पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर चलते हैं, और 5 धातु की बनी हुई तोप पड़ी हुई है, 5 धातु की। और ये सब यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए काफ़ी सारा मिल जाएगा, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, बैग वगैरह। तो पतली पतली गलियाँ हैं, वहाँ से बाहर निकल रहा हूँ मैं, देखो आप ये सब जो है वो देखो आप, फॉसिल पत्थर है, पुराने एकदम पत्थर होते हैं, कई साल पुराने आदिकाल के, ऐसा बताते। दही के लिए एक ग्लास है, अच्छा दही जमता है इसमें बोले।
गिलास में गुनगुना दूध डालोगे तो दही बनेगा। अच्छा, गुनगुना दूध डालोगे दही बन जाएगा, उसमें वो ऊपर से डालना नहीं पड़ता, दही वगैरह कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसी गिलास में रात को पानी रख दो, सुबह भूखे पेट फिर बीपी शुगर घुटनों का दर्द वगैरह। अच्छा, ये मेडिसिन में काम आती है। अच्छा, तो एक ग्लास मेडिसिन में काम आती है इन्होंने बताया। और दही जमाने के लिए इसमें अलग से कुछ मिक्स नहीं करना पड़ता, खाली गुनगुना दूध रख दोगे तो दही बन जाएगा। तो कारीगरी कमाल की है इसकी। तो ये तोप मैंने आपको बताई थी, देखो पंच धातु की तोप है ये, पूरी तोप तो नहीं है लेकिन तोप की नली है। तो ये कैनिल पॉइंट है, मैंने आपको बताया पीछे ये जो तोप की नली रखी हुई है पंच धातु की, और यहाँ से पूरा नीचे जैसलमेर दिखता है। तो ये भी व्यू पॉइंट है, जैसे पहले हमने स्टार्टिंग में देखा था व्यू पॉइंट। तो अभी चलते हैं यहाँ से, और लगभग जैसलमेर फोर्ट पूरा हो गया है। जो जो मेन अट्रैक्शन थे मैंने आपको सारा दिखा दिए है। ये किला था मैंने आपको दिखाया अंदर से, और अभी मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ। बाइक रेंट पर लेना है तो इसके लिए मैं देख रहा हूँ कोई शॉप अच्छी दिखे तो पता करते हैं बाइक का रेंट कितना है यहाँ पर जैसलमेर में। तो ये पहला वीडियो है और लगभग 3 वीडियो आएंगे, तो आप सारे वीडियो देखना। ये जैसलमेर का फोर्ट था, और वहाँ से मैं अभी घूमते हुए इधर आया हूँ बाहर की तरफ, और यहाँ पर कुछ लेदर शॉप वगैरह है, आपको अगर शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर एक बाइक की रेंट की शॉप है, लिखा हुआ है इंडिया बाइक। अभी फिलहाल कौन कौन सी बाइक है? क्लासिक। अच्छा, ये वाली क्लासिक 350। ये BS6 है और ये BS3 है। BS3 ये मेटियोर न्यू बाइक है, ये रॉयल इनफील्ड की मेटियोर, ये अपने 4 महीने पहले ली है। ये वाली बाइक कर दो फाइनल। हाँ, 3 दिन के लिए बाइक रेंट पर ले लिया है, 1300 रुपये पर डे का चार्ज लगा है, क्योंकि बाइक भी हैवी है। BS6 मॉडल है रॉयल इनफील्ड का। ये वाला आप देखो, इनका कार्ड है, अगर आपको चाहिए तो आप नंबर सेव कर लेना, अगर आप जैसलमेर आते हो तो इनसे आप बाइक ले सकते हो। तो वो जैसलमेर फोर्ट है, और वहाँ से थोड़ा आगे यहाँ पर सलाम सिंह जी की हवेली है। ये देखो आप, सलाम सिंह हवेली कहते हैं इसे, और काफ़ी बढ़िया ऊँची हवेली है ये। यहाँ मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अभी हम आगे जाएंगे पटवाओं की हवेली पर, जो कि यहाँ की मुख्य हवेली है। ये पटवाओं की हवेली है, आप देखो काफ़ी ऊँची सी है, 3 मंजिला हवेली है ये। तो म्यूज़ियम आगे है, तो आगे की तरफ चलते हैं। बाहर से नक्काशी देखो आप कितनी शानदार है, कारीगरी देखो आप कितनी बढ़िया है, बहुत अच्छी नक्काशी है, एकदम बढ़िया सी नक्काशी है। यहाँ से म्यूजियम के लिए अंदर एंट्री है, यहाँ पर 100 रुपये टिकट है अंदर जाने का म्यूजियम देखने का, यहाँ पर कैमरा वगैरह सब कुछ अलग हुए है। तो अंदर चलते हैं यहाँ से। तो ये ऊपर म्यूजियम में जाने का रास्ता है, बहुत ही शानदार कारीगरी है इसकी। आप छत देखो, पूरा शीशा लगा हुआ है ऊपर। ड्रेसिंग रूम है ये, और यहाँ पर सब कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। तो ये लकड़ी का दरवाज़ा है पूरा, इसका नाम है मोहिनी विलास, और ये यहाँ की सबसे बढ़िया जगह है। तो ये यहाँ से झरोखा है देखो आप,
ऐसा कहते हैं कि ये जो सेठ थे वो बहुत पैसे वाले थे, तो राजा ने इनको मंदिर के लिए जगह दी, लेकिन हवेली के लिए इनको जगह नहीं मिली, तो इन्होंने बाहर फिर अलग से अपनी हवेली बनाई और राजा से काफ़ी बढ़िया हवेली बनाई। इतनी कारीगरी, इतनी कार्विंग वहाँ पर भी नहीं है जितनी कार्विंग इस हवेली में है। देखो ऊपर का नज़ारा कितना बढ़िया है सब कुछ। यह जीवन विलास बैठक, तो काफी जोरदार हवेली बनाई हुई है उस समय की, देखो आप। और इस तरफ से ऊपर ये छत है, तो छत पे चलते हैं। वो फोर्ट है, फोर्ट से लगभग पास में ही है, लगभग 800 मीटर की दूरी है इस हवेली की। और ये आसपास के सारे घर है, इतनी बारीक नक्काशी है आप देखो, पूरा पत्थर का काम है ये, दिखता ऐसा जैसे लकड़ी है लेकिन है पूरा पत्थर। चलते हैं नीचे अभी, ये भी बैठक है, उस जमाने का लॉकर है ये। सर ये इनका मीटिंग रूम है, ये सोफेट वगैरह ना, ये सब टेबल वगैरह चांदी के सब। वैसे तो इधर बहुत सारी हवेली है, 4-5 हवेलियां है, लेकिन पटवाओं की हवेली जो है वो मेन हवेली है, तो यहाँ की विजिट करना आपको अच्छा लगेगा। तो अभी चलते हैं यहाँ से अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो मैं आ गया हूँ बड़ा बाग पर। बड़ा बाग जो है वो पुराने यहाँ के जो राजा थे उनकी समाधि है, उसको बड़ा बाग बोलते हैं। और काफ़ी अच्छी छतरियाँ हैं, देखो आप, बहुत सारी छतरियाँ हैं। और यहाँ का 100 रुपये का टिकट है अंदर जाने के लिए। और जो फोर्ट है जैसलमेर का, वहाँ से ये 6-7 किलोमीटर दूर है ये जगह बड़ा बाग। तो ये है बड़ा बाग की छतरियाँ, देखो आप, काफ़ी बढ़िया जगह है एकदम। यहाँ पर वैसे काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हुई है पहले, अभी जो भुज मूवी आई थी वो भी यहाँ पर शूट हुई थी। तो इस तरह से ये छतरियाँ बनी हुई है, आपको दिखाता हूँ, देखो ये राजा जी की समाधि है यहाँ पर। तो ये सारी छतरियाँ हैं, इसी तरह से ये सारी छोटी बड़ी समाधियाँ हैं। वैसे छतरियों के अलावा इधर विशेष कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको पुराना इतिहास जानने में रुचि है, हिस्ट्री पसंद है, तो आपके लिए अच्छी जगह है ये। और छतरियों की जो डिजाइनिंग है वगैरह काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर फोटोग्राफी आप अच्छे से कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया फोटो आते हैं यहाँ पर। तो ये था बड़ा बाग, जो कि यहाँ के राजाओं की समाधि है। और जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन यहाँ का जो टिकट है 100 रुपीज़ वो काफ़ी ज़्यादा है। और अभी यहाँ से चलते हैं गड़ीसर लेक, जो कि यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर है। जैसलमेर जो फोर्ट है वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन बड़ा बाग से 8 किलोमीटर है। तो चलते हैं गड़ीसर लेक के लिए। तो मैं आ गया हूँ गड़ीसर लेक पर, पीछे आपको लेक दिखेगा ये, इसको बोलते हैं गड़ीसर लेक। पीछे वहाँ पर जैसलमेर फोर्ट दिखता है, आप देखो पास में ही है। जैसलमेर में अगर पानी दिखता है तो कुछ अलग लगता है, क्योंकि सारा सुबह से जो मैं घूम रहा हूँ सब सूखा सूखा एरिया है, यहाँ पर मैंने पानी देखा है। तो काफ़ी अच्छा लेक है, नीचे उतरते हैं, चलते हैं, देखते हैं। इसकी लेक की मेन एंट्री उस तरफ है, लेकिन मैं वहाँ से थोड़ा घूम के इस तरफ आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, शोर शराबा है। और यहाँ से सनसेट भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और लेक का व्यू भी अच्छा आ रहा है, बोटिंग वगैरह हो रही है, आपको दिखेगा। तो लेक की मेन एंट्री पर आ गया हूँ मैं, नीचे की साइड ये मेन एंट्री है, देखो आप, यहाँ पर गेट बना हुआ है,
और आपको काफ़ी भीड़ भी दिखेगी, इसलिए मैंने आपको एक बार बाहर से भी दिखाया था। और मेरे साथ विशाल है, इसके यहाँ से मैंने गाड़ी ली थी और ये मेरी हेल्प भी कर रहा है जैसलमेर के जो कुछ पॉइंट है उसे बताने के लिए। थैंक यू विशाल। यहाँ पर देखो नीचे प्राइस लिखा हुआ है बोटिंग का, ये देखो आप, ये गेट बना हुआ है यहाँ लेक के लिए और यहाँ से आगे फिर बोटिंग वगैरह होती है। तो यहाँ से बोटिंग होती है और इस जगह को बोलते टीलों की पौड़। पौड़ मतलब यही गेट जो मैंने आपको बताया था, किले में भी थे ऐसे गेट। तो यह है टीलों की पौड़ और यहाँ से बोटिंग के लिए जाने का रास्ता है। तो ये यहाँ से लेक का नज़ारा देखो काफ़ी बढ़िया लगता है। ये नीचे यहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था, तो इस तरफ ऊपर की तरफ आया हूँ मैं यहाँ पर। आज का दिन खत्म हो गया, शाम ढल गई है, रात होने वाली है। जैसलमेर का फोर्ट और उसके आसपास की जो मेन जगह है, मुख्य जगह है, मैंने आपको बता दी है। टोटल 3 वीडियो आने वाले हैं, तो ये पहला वीडियो था। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के वीडियो कंटिन्यू रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो